नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे निशन टीवी। उमरखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 44 यानी 44 उम्मीदवारों के आवेदन का नामांकन दर्ज हुआ। नामांकन जांच में दो उम्मीदवारों के आवेदन को इनवैलिड यानी अवैध घोषित किया गया और बचे 42 यानी 42 उम्मीदवारों के आवेदन को वैलिड यानी वैध घोषित किया गया। प्रत्याशियों की संख्या को देखते हुए कुछ प्रत्याशी उस विधानसभा क्षेत्र से है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवारों का मुकाबला करना पड़ेगा। उमरखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का कहना है कि अब तक के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है और ना ही कोई वादा पूरा किया है। इस बीच महायुति और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं के मन में नाराजगी है। ऐसे में बीएमपी के प्रत्याशी इंजीनियर विद्वान केवटे के द्वारा अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए 500 के बॉन्ड पेपर पर लिखकर दिया है। ऐसे में मतदाताओं का कहना है कि अभी तक के किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार के द्वारा इस प्रकार से लिख कर कोई भी नहीं दिया है। इसी कारण मतदाताओं की नजरें खटिया पर बनी हुई है, जो कि बीएमपी के प्रत्याशी इंजीनियर विद्वान केवटे की निशानी है। ऐसे माहौल में, ऐसे स्थिति में महाविकास आघाड़ी तथा महायुति के उम्मीदवारों की परेशानी, मुश्किलें बढ़ी हुई है। इस बारे में आपको क्या लगता है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।